तो कैसे हो क्रिकेट के दीवानों गाइस, बीसीसीआई ने इंडियन टीम की अपकमिंग सीरीज और मैचेस अनाउंस कर दिया है, वो भी साल 2027 तक, जहां इंडियन टीम 38 टेस्ट, 42 ओडीआई और 61 टी20 मैचेस खेलेगी। इन सब के अलावा इंडियन टीम 2 टी20 वर्ल्ड कप, 2 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2 टेस्ट चैंपियनशिप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी में भी भाग लेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। गाइस, अगर अपकमिंग सीरीज की बात करें तो एशिया कप 2022 के बाद सितंबर 2022 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक होम सीरीज खेलेगी, जहां 3 टी20 मैचेस ही खेले जाएंगे। फिर अक्टूबर 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। अक्टूबर 2022 में टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अवे सीरीज होने वाली है, जहां 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां 2 टेस्ट और 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज होने वाली है, जहां 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। फरवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां 4 टेस्ट और 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। सितंबर 2023 में एशिया कप होने वाला है, जिसकी डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। सितंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक होम सीरीज होगी, जहां केवल 3 ओडीआई मैचेस ही खेले जाएंगे। अक्टूबर 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि इंडिया में होगा। नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज होगी, जहां 5 टी20 मैचेस ही खेले जाएंगे। दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस ही खेले जाएंगे। जनवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां केवल 5 टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे। जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेला जाएगा। जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां केवल 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस ही खेले जाएंगे। सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां 2 टेस्ट और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां केवल 3 टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे। नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां केवल 5 टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे। जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज होने वाली है, जहां 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, जो कि पाकिस्तान में होगा। जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां केवल 5 टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे। अगस्त 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। सितंबर 2025 में एशिया कप होने वाला है, जिसकी डेट्स अभी तक डिसाइड नहीं हुई हैं। अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज होने वाली है, जहां केवल 2 टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। फरवरी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है, जहां ये वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ होम सीरीज होने वाली है, जहां 1 टेस्ट और 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां केवल 2 टेस्ट मैचेस ही खेले जाएंगे। सितंबर 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां केवल 3 टी20 मैचेस ही खेले जाएंगे। सितंबर 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। अक्टूबर 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अवे सीरीज होगी, जहां 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे।
दिसंबर 2026 में श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज होने वाली है, जहां 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। जनवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज होगी, जहां केवल 5 टेस्ट मैच ही खेले जाएंगे। तो गाइस आपको फिर से बता दें, इंडियन टीम 38 टेस्ट, 42 ODI और 61 T20 मैचेस खेलेगी। इन सब के अलावा 2 T20 वर्ल्ड कप, 2 ODI वर्ल्ड कप, 2 टेस्ट चैंपियनशिप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी में भी भाग लेगी। तो गाइस कौन सी सीरीज इंडियन टीम के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है और क्या टीम इंडिया ODI वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप और T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।